मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखी मिर्च एक ऐसा स्पाइस है जो कि हर घर में यूज होता है। इसको हम हर रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते ही हैं। हमारे किचन में देखी मिर्च जो है पड़ी रहती है, तो आज हम बिल्कुल बाजार जैसे देखी मिर्च बनाएंगे। हमें बाजार जाकर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल वही टेक्सचर होगा, वही कलर होगा और वही टेस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना अपनी लाल देगी मिर्च। इसके लिए हमने कुछ इस तरह से लाल मिर्चें ली हैं। ये सूखी लाल मिर्चें हैं, इस तरह की होती है। हमने कश्मीरी लाल मिर्च लेनी है। कई तरह की मिर्चें जो हैं आती हैं बाजार में, तो आप देख सकते हैं इसका कलर, इस तरह का कलर होता है इसका, बिल्कुल देगी मिर्च के जैसा कलर होता है। तो इस तरह की ये जो कश्मीरी लाल मिर्चें होती हैं हमने वो लेनी है। तो ये ले लेंगे हम। हमने तकरीबन 40 मिर्चों के करीब ये मिर्चें ली हैं। तो इसकी जो इस तरह से डंडियाँ हैं इसको निकाल देंगे। तो सारी मिर्चों की इस तरह से डंडियाँ निकाल देंगे। मिर्चें जो हैं लाल मिर्चें कई तरह की आती हैं, कुछ लंबी भी होती हैं, कुछ गोल भी आती हैं सूखी मिर्चें। लेकिन हमने इसी तरह की मिर्च लेनी है। पहचान इसकी कलर से ही होगी कि इसका कलर जो है इस तरह का देगी मिर्च की तरह होगा, थोड़ा सा लाल। जो दूसरी होती है वो थोड़े कालेपन में होती है। तो हमने ये जो लाल में हो वो लेंगे। तो इस तरह से सारी जो है हमने डंडियाँ निकाल कर रेडी कर लेनी है। तो सारी आप देख सकते हैं मिर्चों की डंडियों को हमने मिर्चों से कर दिया अलग। अब इसको हम कट करेंगे। कोई भी किचन सीजर ले लें और इस तरह से छोटे छोटे कट कर देंगे। इस तरह से ध्यान रखें, हमने इसको जो है छोटा छोटा ही कट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमने सारी छोटी छोटी मिर्चें काट लेनी है। ये देखिए, इससे क्या होगा, एक तो हमने जो इसको डी सीड करना है, हमें इसकी जो सीड्स हैं यानी कि बीज हैं इसको अलग करना है। ये भी आसानी से काटने से निकल जाते हैं। ये देखिए, अब देख रहे हैं इस तरह से बीज निकल रहे हैं इसकी। तो इसी तरह से ये बीज भी अलग हो जाएंगे। हमने बीज इसमें बिल्कुल भी नहीं डालने हैं, इसको अलग कर देना है। ये देखिए, तो सारे हम इसी तरह से काट लेते हैं मिर्चें। तो लीजिए, सारे मिर्चों को हमने काट लिया है। अब क्या करेंगे, इस तरह से इसको हिला लेंगे। इस तरह से अच्छे से इसको हिलाएंगे ताकि बीच में से जो ये मिर्चों के बीज हैं वो निकल जाएं। इस तरह से इसको 2 से 3 मिनट के लिए हिलाएंगे। आप देखेंगे कि ये देखिए बीज जो हैं इसके इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह से बीज निकल गए हैं सारे। कितना आसान तरीका है ये बीज को निकालने का। ये देखिए, मिर्चों को साइड कर लेते हैं और ये सारे जो सीड्स हैं, ये देखिए कितने सारे सीड्स हैं इसके अंदर। इसको अलग करने के बाद एक बार सब मिर्चों को दोबारा से इस तरह से करके दोबारा से हिलाएंगे ताकि वो जितनी भी हो वो भी निकल जाए। तो ये प्रोसीजर हम 2 बार करेंगे कम से कम। और ये आप देख सकते हैं दोबारा से जो बीज हैं दोबारा इकट्ठे हो गए नीचे, इनको भी। तो आप देख सकते हैं हमने मिर्चों को अलग कर दिया, बीज को अलग कर दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, गैस को नीचे से कर देंगे ऑन। गैस को मैंने पहले से ही नीचे से ऑन कर दिया है 1 मिनट के लिए तेज गैस पे। इसको अच्छे से कढ़ाई को गर्म, 1 मिनट हो चुका है, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। गैस को कर देते हैं बंद। अब ये जो हमने लाल मिर्चें ली हैं इसको ले लेंगे और बंद कढ़ाई में इन मिर्चों को डालेंगे, खोलेंगे नहीं। इसी तरह से हमने जो है इसको हल्का हिलाते हुए सौटे कर लेना, ड्राई रोस्ट करना है इसको। ये हम गैस इसलिए बंद करते हैं ताकि ये चले नहीं बहुत ज़्यादा। हमने इसको नहीं जो है ड्राई रोस्ट करना है, हमने सिर्फ इसकी नमी को दूर करना है, थोड़ा सा इसके अंदर क्रिस्पीनेस लानी है। तो हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से लगातार हिलाते हुए इस तरह से इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है, अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसको थोड़ा सा हल्का ठंडा होने देते हैं। अब हम लेंगे मिक्सी का एक जार, सबसे छोटे वाला जिसमें मसाले पीसे जाते हैं, और इसमें डाल देंगे हम ये अपने बीज। ये वही बीज है जो हमने मिर्चों में से निकाले हैं। तो ये इसमें डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। तो चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया हमने इसको पीस लिया है। तो ये येलो कलर की मिर्चें हमारी तैयार हो गई हैं। ये वही मिर्चें हैं जो आप देखते हैं कि चाट वाली दुकान पे चाट के मसाले में जो मिर्चें डालते हैं वो यही मिर्च डाली जाती है, पीली वाली। तो यही वो मिर्च है, हम इसको घर में बना सकते हैं और इससे चाट मसाले में भी इसको हम ऐड कर सकते हैं। ये कई चीज़ों में ये ऐड हम इसको जो है यूज़ किया जा सकता है। इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए, ये हमारी मिर्ची रेडी हो गई। अब हम इसी कंटेनर में यानी कि इस मिक्सी के जार में हम अपनी ये लाल सूखी मिर्ची भी डाल देते हैं। ये भी जो है ठंडी हो चुकी है। तो ये सारी मिर्ची डाल देंगे इसमें और इसको भी अच्छे से बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। तो इन मिर्चों को भी हमने पीस लिया, चेक कर लेंगे। ये देखिए कितनी बारीक पीस कर रेडी हुई हैं ये, बिल्कुल उसी तरह
जिस तरह की ये देगी मिर्च होती है आप देख रहे हैं, ये MDH की एवरेज की मिर्चें इसी तरह से होती हैं। इसको भी डाल देंगे, इसको पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि पहले इसके फ्लेक्स बनते हैं और फिर ये पीसी जाती हैं। इसमें तीखापन जो है बाकी मिर्च के हिसाब से कम होता है, इतनी तीखी नहीं होती है क्योंकि कश्मीरी मिर्च होती है वो इतनी तीखी नहीं होती है। इसके हमने बीज निकाल दिए हैं, आपने देखा जिसमें ज़्यादा तीखापन होता है वो तो हमने निकाल ही दिया है। तो इसका कलर ज़्यादा होता है और तीखापन जो होता है कम, नेचुरल कलर होता है इसमें, बिल्कुल भी एडेड कलर नहीं है इसके अंदर हमने डाला। बाजार से जो हम लेते हैं उसका हमें बिल्कुल भी नहीं पता रहता है कि उसमें कलर ऐड करा हुआ है, ये बिल्कुल नेचुरल जो है बिल्कुल नेचुरल देगी मिर्च है। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, बिल्कुल बाजार जैसा इसका टेक्सचर है और टेस्ट भी बिल्कुल उसी तरह का। तो लीजिए बनकर तैयार हो गई हमारी ये दोनों मिर्चें, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मेरी रेसिपी से बहुत पसंद आएगी आपको। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोज़ की अपडेट जो सुबह 12 बजे मेरी वीडियो डलती है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।